आलू गोभी तो आपने बहुत बार बनाया होगा, लेकिन इस तरह से बनाएं तो सब जो है तारीफें करते रह जाएंगे और उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी मज़े की और इतनी टेस्टी बनती है, दिखने में जितनी सिंपल है लेकिन खाने में उतनी ही मज़ेदार और जायकेदार होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी जो है मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल ईजी और जल्द बनने वाली। तो आएँ अब इस रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। रहीम, तो सबसे पहले हम एक देगची लेंगे, उसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी, यानी हाफ कप कप जितना ऑयल डाल दिया मैंने। यहाँ पर मैंने तीन प्याज़ें ली थी जिन्हें बारीक काट लिया है। तो सबसे पहले हम प्याज को फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह। प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस लाइट सा फ्राई करना है ऐसे। तो लाइट से मैंने यहाँ पे देखिए प्याज जो है फ्राई कर लिया है। दो चम्मच मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, इसको इसके साथ ही मिक्स कर देंगे। दो तीन मिनट तक आपने लहसुन अदरक के पेस्ट को इसके साथ प्याज के साथ फ्राई करना है, ताकि इसकी जो स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। जी, यहाँ पर मैंने दो बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, मैं टमाटर भी इसके साथ ही शामिल कर दूँगी। थोड़े से मसाले शामिल कर देंगे, जिसमें एक चम्मच जो है मैं इसमें लाल पिसी हुई मिर्ची डाल रही हूँ, हाफ चम्मच नमक डाल रही हूँ, कम होगा तो हम बाद में डाल सकते हैं, हाफ चम्मच हल्दी, इसको मिक्स कर देंगे। बाकी जो मसाले हैं वो हम बाद में डालेंगे। मसाले को हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भुनाई करनी है इसकी। मसाले को यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो गए हैं पकते हुए, तो मैंने यहाँ पर लिए हैं तीन बड़े साइज़ के आलू, उसको इस तरह से छोटा छोटा काट लिया है। आप जिस तरह के आलू पसंद करते हैं, बड़ा या दरमियाना जैसा भी, वो आप उस तरह से काट कर भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है बिल्कुल छोटे साइज़ के रखे हैं आलू। 5 मिनट तक इसको हम मसाले के साथ ही अच्छी तरह से पका लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूँगी तीन हरी मिर्चें, ऐसे मोटी मोटी कटी हुई, बारीक काट के डालना चाहते हैं तो आप उस तरह भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अच्छे से हम इसको पका लेंगे, उसके बाद इसके अंदर हम गोभी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छे से पका लिया है, 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम गोभी शामिल कर देंगे। गोभी मैंने 1 किलो ली थी और इसे अच्छी तरह मैंने पानी से धो लिया था, तो अब इसको हम डाल देंगे इसके अंदर। दिखने में जितनी सिंपल यह रेसिपी लगती है, लेकिन खाने में उतनी ही मज़ेदार होती है, और बच्चे जो हैं ज़्यादातर शौक से पसंद करते हैं, कचेरी से खाना पसंद करते हैं गोभी को। गोभी में कहते हैं कि आयरन होता है, तो इसलिए इसे जो है खाना ज़रूर चाहिए। यहाँ पर मैंने देखें इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है मसाले के साथ, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, और पानी डालने के बाद इसे मैं कवर कर दूँगी, ताकि जो गोभी हमारी वो अच्छे से गल जाए और आलू भी गल जाएंगे इसके साथ ही, तो दोनों चीज़ें जो हैं बराबर गल जाएंगी। तो सिर्फ हमने क्या करना है, 10 मिनट के लिए इसे कवर कर देना है हल्की आग के ऊपर। पानी डालने के बाद मैंने इसे मिक्स कर दिया है अच्छे से, अब मैं इसे कवर कर दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। दोस्तों, यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और गोभी और आलू जो हैं वो गल गए हैं, बस थोड़ा सा इसमें पानी है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैंने हाफ चम्मच जो है ये धनिया पाउडर डाला है, हाफ चम्मच जितना ही इसमें गर्म मसाले का पाउडर डाल दूँगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आग करके इसकी हम बुनाई कर लेंगे। तो खुशबू इतनी मज़ेदार आ रही है इसके अंदर से, इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी ये बनेगी, और ट्राई करना ज़रूर है आपने। ट्राई करने के बाद आपने बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और बिल्कुल आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है इस तरह से। तो बस मैंने इसकी तेज़ आग कर दी है नीचे, इसकी मैं अच्छे से बुनाई कर लूँगी, तो मज़ेदार सा सालन जो है हमारा तकरीबन रेडी है। गोभी की मैंने अच्छे से बुनाई कर ली है, तो देखें मज़ेदार सी यहाँ पे आलू गोभी जो है हमारी वो तैयार है। तो अगर आपको मेरी ये आलू गोभी की रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।